वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन के पास। दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्वाल्टी बुलेट के बारे में, जो कि हम इस टूल का आपको लगा के बताएंगे। ठीक है, जो कि ये हमारे पास अक्वाल्टी बुलेट का किट है, ये देखो। इस मेथड से हम आपको बताएंगे, बहुत ईजीली बताएंगे। बस इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको हर पॉइंट समझ में आएगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किट रखे हुए हैं। इसमें से हम एक किट को बाहर निकाल देंगे। ये हमने एक किट बाहर निकाल लिया। ये हमारे पास स्टूल सैंपल है, ठीक है। और ये हमारे पास दो रीजेंट रखे हैं, जो कि डेवलपर सॉल्यूशन है और एक है पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो पहले तो ये हमारे पास स्टिप रखा है, जो कि जो सैंपल स्टूल सैंपल होते हैं, वो जो किट होते हैं इसमें अपन को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो इसमें से हम एक किट को बाहर निकालेंगे। और ये जो हमारे पास स्टूल सैंपल है, इसको हम पहले इसमें तो पेशेंट का नाम, आईडी नेम, डॉक्टर नेम और जो पेशेंट का नेम है और एज, सब कुछ इसमें पहले हम फिल कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास पेशेंट का नाम आया, तो पेशेंट का हमने इसमें नाम डाल लिया, एज डाल लिया। ठीक है, ये हमने सब फिल कर लिया इसमें। इससे दो बार निकालेंगे। ठीक है, इसमें ये हम इसको पहले ओपन करना है। इसमें ए और बी, ठीक है, ए और बी, एक में कंट्रोल डालना है, एक भी एक में सैंपल डालना है। ठीक है, जिसमें अगर टेस्ट में अगर ब्लू कलर आता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो निगेटिव होता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कंट्रोल जो होता है उसमें कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम अपन डालेंगे स्टूल सैंपल। ये कि हमारे पास स्टूल सैंपल रखा हुआ है। बहुत केयरफुली डालना है। ठीक है, इसमें ऐसे इसको फिल कर लेंगे, फिर इसको ऐसे पैक करके ऐसे आराम से रख देना है। ठीक है, फिर अपन जो पीछे साइड का लगा हुआ है ये रिजल्ट विंडो, इसको ओपन करना है। ये देखो, एक साइड लिखा है आर बी और एक साइड लिखा है आर ई। ठीक है, तो एक साइड अपन डालेंगे क्वांटिटी कंट्रोल और एक साइड डालेंगे डेप्टेबल सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं। तो एक सॉल्यूशन हम इस साइड डालेंगे। ये देखो इस साइड, यह है ड्रॉपल सॉल्यूशन, जो कि वन ड्रॉप ऐड कर देंगे जी। फिर इसको पैक करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद फिर इसको देखेंगे कि कलर चेंजेस हुआ है कि नहीं। देखो, इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ है, यानी नेगेटिव है। एक साइड डाले थे ड्रॉपर सॉल्यूशन और एक साइड डाले थे क्वांटिटी कंट्रोल। ठीक है, अगर क्वांटिटी कंट्रोल डाले थे और इस साइड ही अगर ब्लू कलर होता तो पॉजिटिव होता, यानी कि टेस्ट हमारा निगेटिव है।